स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस। मोस्टली उनमें तीन टाइप्स होते हैं, वेव इक्वेशन, आपका हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, इनिशियल कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू वांट टू जॉइन कवर मैथ्स ऑप्शनल फेब्रुवरी बैच, ठीक, लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ फेब्रुवरी। ठीक, प्राइस इज 15,999, कोड इज 80 लाइव। जो इस ये कोर्स है इसमें टेस्ट सीरीज़, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारे के सारे फीचर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स ऑप्शनल के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं देन दिस इज़ द बेस्ट बैच फॉर यू। अब देखो आज का हमारा एजेंडा क्या था। जब आप देखोगे पेपर टू में एक टॉपिक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में एक सेक्शन आता है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है इसमें क्या क्या पहला रहता है, वेव इक्वेशन या स्ट्रिंग इक्वेशन कह सकते हैं, दूसरा इज हीट इक्वेशन एंड थर्ड वन इज लाप्लास इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये टॉपिक, क्यों, क्योंकि यहां से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 15-20 मार्कर एक क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है हर साल के पेपर में। अगर प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी वेव इक्वेशन, मेजॉरिटी क्वेश्चन हमेशा वेव इक्वेशन टॉपिक से आते हैं। हीट इक्वेशन के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, लाप्लास के क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, बट प्रोसेस सेम होने के कारण इसको भी हम यहीं पर सीख लेंगे। ठीक, व्हाट डू यू मेंट बाय वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन इज नथिंग, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक, जो वाई जो मेरा एक डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन इन वाई एक्सिस है वो डिपेंड करता है एक्स और टी पे, टी इज टाइम, एक्स इज एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये आपको इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं और एक कंडीशन जो होता है एंड में हमेशा एग्जाम में देता है विच इज़ नथिंग बट वाई एक्स कॉमा जीरो, ये कंडीशन आपको एग्जाम में देगा। इसके पहले की सारी कहानी हर एक क्वेश्चन में सेम रिपीट होती है। ठीक, तो वहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। ठीक, देखो जो 30% डेरिवेशन वाला जो पार्ट है y x कॉमा टी तक के वो हर क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, तो आपको जो अब मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ उसको सीख लो। ठीक, और उस डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्ज़ाम में अगर मुझे 10 मिनट में सवाल बनाना है तो 3 मिनट के अंदर मैं वो डेरिवेशन कर लूँ। ठीक, विद इन 3 मिनट्स मैं वो वाला डेरिवेशन कर लूँ। ठीक, और कोर्स को देख लीजिएगा, बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ फेब्रुवरी। अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ मैथ्स ऑप्शनल को, ठीक, तो अगर कवर करना है एक टाइम बाउंड मैनर में विद इन 5-6 मंथ्स देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। तो चलिए लेट अस सॉल्व द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो हमेशा इस फॉर्म में गिवन होगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक, यहां पर बेसिकली मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, यू इज द डिस्प्लेसमेंट इन y direction which is a function of x comma t। ठीक, x comma t में जो मेरा displacement होगा वायर का इन y direction या string का वो किस पर depend करेगा, वो depend करेगा x और t पे। ठीक, अगर मैं diagram draw करूँ इस logic को अगर हम समझे, ठीक, तो मैंने दो fixed point लिए a and b, वॉट आर दे, दीज आर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अब इस फिक्स्ड पॉइंट के बीच में मैंने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया। ठीक, ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू एल। ठीक, और यहां पर क्या गिवन है, ए कॉमा बी आर फिक्स्ड पॉइंट अब क्या कह रहा है कि टाइम एट टी इक्वल टू जीरो मैं इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं। ठीक, मैं इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके इस पोजीशन से टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज कर दूंगा।
टी, टी इक्वल टू जीरो पे देखो ए और बी जो ब्लू वाली पोजीशन है स्ट्रिंग की, ये टी इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन नहीं है। ए और बी फिक्स्ड पॉइंट थे, स्ट्रिंग का लेंथ मुझे गिवन था एल, ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ मैंने स्ट्रिंग को ऊपर की ओर खींचा और टी इक्वल टू जीरो पे मैं इस पॉइंट से स्ट्रिंग को रिलीज कर दूंगा। तो जब मैं इस पॉइंट से स्ट्रिंग को रिलीज करता हूँ तो स्ट्रिंग क्या करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। और उस पर मुझे किसी भी पॉइंट पे, ठीक, किसी भी पॉइंट मीन्स सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स, और किसी भी टाइम टी पे अगर मुझे वर्टिकल पोजीशन फाइंड करना है तो दिस इज नथिंग बट यू, ठीक, दिस इज नथिंग बट यू, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। क्या ये चीज क्लियर है यहां तक के? अब अगर ये पॉइंट क्लियर है तो देखो यहां पर आपको क्या गिवन रहता है, दो कंडीशंस गिवन होते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, एंड सेकंड वन इज बाउंड्री कंडीशन। व्हाट इज इनिशियल कंडीशन? इनिशियल कंडीशन वो कंडीशन होती है जो सिस्टम को रिलीज करने के पहले, मींस टी इक्वल टू जीरो पे जो कंडीशन गिवन होती है। और बाउंड्री कंडीशन कहां पे हो रहा है, जो एंड पॉइंट पे है। सबसे पहले हम एंड पॉइंट की बात करता हूं। देखो व्हाट डू यू मेंट बाय बाउंड्री कंडीशन, ए और बी क्या है, दे आर नथिंग बट फिक्स्ड पॉइंट। व्हाट आर ए एंड बी, दे आर नथिंग बट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ठीक, बाउंड्री कंडीशन में क्या हो रहा है, यू ऑफ जीरो कॉमा टी, ठीक, यू किसका फंक्शन था, एक्स कॉमा टी का। अगर मैं जीरो कर देता हूं एक्स को तो मैं किस पॉइंट पे हूं, मैं हूं पॉइंट ए पे, वो कभी भी वर्टिकली मूव नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट जो है ये कभी भी वर्टिकली मूव नहीं करेगा, बाकी सारे पॉइंट्स मूव करेंगे, बट बिकॉज ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट इट विल नेवर मूव वर्टिकली। तो यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो, सॉरी यू ऑफ जीरो कॉमा टी, ये हमेशा जीरो रहेगा। दिस इज योर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू ऑफ एल कॉमा टी, ठीक, यू ऑफ एल कॉमा टी, ये कितना आएगा हमेशा, ये भी जीरो आएगा, बिकॉज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, ए और बी फिक्स है तो ये कभी मूव नहीं करेंगे। देयरफॉर यू जीरो कॉमा टी एंड यू एल कॉमा टी बोथ आर इक्वल टू जीरो, दीज आर अवर बाउंड्री कंडीशन, ठीक, दीज आर अवर बाउंड्री कंडीशन। अब एट टी इक्वल टू जीरो, ध्यान से देखना डायग्राम को, टी इक्वल टू जीरो पे मैंने अभी स्ट्रिंग को रिलीज नहीं किया है, आई एम स्टिल होल्डिंग दैट स्ट्रिंग। तो जब तक मैंने इस स्ट्रिंग को रिलीज नहीं किया है तब तक वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होने वाली, मतलब डेल ऑफ वाई बाय डेल ऑफ यू नॉट वाई, डेल ऑफ यू बाय डेल टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, नो वर्टिकल वेलोसिटी, नो वर्टिकल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक, एट टी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गए मेरे एक इनिशियल कंडीशन और दो आपके बाउंड्री कंडीशन। अब इसका यूज करके मैं ये जो वेव इक्वेशन मुझे गिवन है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर, कई बार यू फंक्शन यूज करते हैं, यू क्या है, यू इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और कई बार इक्वेशन में डायरेक्टली अगर आप बोलो तो इस फॉर्म में भी गिवन रहता है कि डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक। व्हाट इज वाई हियर, वाई इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। अब हमको क्या करना है, यहाँ इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, ठीक, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, इक्वेशन डिराइव करूंगा, बाउंड्री कंडीशन आपको वहां पर हम पुट करेंगे और यू विल गेट द फाइनल आंसर। इस रिजल्ट के डेरिवेशन को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन किस पे फॉर्म का है, अगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है तो ये डेरिवेशन हर क्वेश्चन में करना इज मैंडेटरी, ये डेरिवेशन हर एक क्वेश्चन में करना इज मैंडेटरी। तो देखो सबसे पहला चीज में क्या एज्यूम करूंगा, सबसे पहला चीज में एज्यूम करूंगा कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, y is a function of x and t, मतलब ये कैपिटल x क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल x इज फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल t इज फंक्शन ऑफ t ओनली,
मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि y जो है कैपिटल x इंटू टी के बराबर है, कैपिटल x इज फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल t इज फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, बताओ क्या बनेगा। ठीक, डेल स्क्वायर कैपिटल x t डेल x स्क्वायर 1 बाय c स्क्वायर डेल स्क्वायर कैपिटल x t बाय डी टी स्क्वायर। ठीक, अब दो बार अगर मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया x को तो ये क्या हो जाएगा, x डबल डैश इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 बाय c स्क्वायर x t डबल डैश, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये इस नेचर में आ रहा है कि x डबल डैश बाय x इज इक्वल्स टू 1 बाय c स्क्वायर t डबल डैश बाय t। क्या ये इक्वेशन आ गई, x डबल डैश बाय x इज इक्वल्स टू 1 बाय c स्क्वायर t डबल डैश बाय t। अब इसको हम क्या किसके बराबर ले सकते हैं, x डबल डैश बाय x इज इक्वल्स टू 1 बाय c स्क्वायर t डबल डैश बाय t इज इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट k के बराबर मान ले। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरी k की वैल्यू है इसकी तीन वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक, पहला k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू जीरो और k इज इक्वल्स टू माइनस p स्क्वायर। ठीक, मैंने ऐसे क्यों एज्यूम किया, मैंने ऐसे इसलिए एज्यूम किया कि k इक्वल टू p स्क्वायर का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, k इज अ पॉजिटिव नंबर। k को अगर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट जीरो, और k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट k इज अ नेगेटिव नंबर। तीन केस बनेंगे, ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बना है यहाँ पर तीन केस आ रहे हैं कि k एक पॉजिटिव नंबर हो जाए, k की वैल्यू या तो जीरो हो जाए और नहीं तो k की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर हो जाए। इन तीनों केस के लिए हम सॉल्व करेंगे और हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इसी फॉर्म में मिलता है। ये आपको बताना पड़ेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आपको इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो चलो केस वन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज केस वन, दिस इज केस टू, दिस इज केस थ्री। केस वन में क्या हो रहा है, केस वन इज नथिंग बट के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक, तो के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर में यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ से आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहे हैं, कौन कौन से, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो t डबल डैश माइनस सी इंटू पी का होल स्क्वायर t इक्वल टू जीरो। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले ये वाला इक्वेशन लो, x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। वॉट इज डी हियर, अगर मैं डी को वैल्यू लिखूं तो इट इज नथिंग बट डेल ऑफ डेल एक्स। ठीक, ये है डी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना बनेगा इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं फाइंड करना। सी एफ कितना आ जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं लिखूं यहां पर कि मुझे एक्स की वैल्यू मिलती है सी वन ई पावर माइनस पी एक्स प्लस सी टू ई पावर पी एक्स। ठीक, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम की वैल्यू कितनी आती है रखने से, प्लस माइनस पी। ठीक, प्लस माइनस पी, तो पहला सॉल्यूशन मुझे मिल गया कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो सी वन ई पावर माइनस पी एक्स सी टू ई पावर पी एक्स। ठीक, अब जो सेकेंड इक्वेशन था मेरा टी डबल डैश माइनस सी इंटू पी का होल स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो, ये था मेरा सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम प्रोसेस, डी स्क्वायर माइनस सी पी का होल स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू जीरो। इसका आपको सॉल्यूशन मिलता है कि कैपिटल टी इज इक्वल्स टू सी थ्री ई पावर माइनस पी सी इंटू टी प्लस सी फोर ई पावर प्लस पी सी इंटू टी। तो यहाँ से देखो एक्स और टी का मुझे वैल्यू मिल गया, ठीक है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी मैंने फाइंड कर लिया। तो जो मेरा केस वन था, ठीक है, वॉट इज केस वन,
केस वन में जो मुझे वैल्यू मिली थी डेट के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एक पॉजिटिव वैल्यू मैंने लिया था, तो मुझे वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ देखिएगा, वाई को क्या एज्यूम किए थे हम लोग, वाई को हम लोगों ने एज्यूम किया था वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इंटू टी, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कितना आ गया, जस्ट अ मिनट, सी वन यहाँ पे लिखते हैं, सी वन ई पावर माइनस पी एक्स प्लस सी टू ई पावर प्लस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी थ्री ई पावर माइनस पी इंटू सी इंटू टी प्लस सी फोर ई पावर प्लस पी इंटू सी इंटू टी। ये मिल गया मुझे डायरेक्ट सॉल्यूशन पहले केस में, केस वन के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, केस टू फाइंड करूँगा। वॉट इज केस टू, वॉट इज केस टू, केस टू इज दैट वेन के इज इक्वल्स टू जीरो, ये केस था, के इज इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी इक्वल टू जीरो। ठीक, ये वाली वैल्यू आती है एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू वन बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी इज इक्वल्स टू जीरो। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर आपका दो इक्वेशन आ जाता है। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पर आपका दो इक्वेशन आता है, एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू जीरो और यहाँ से बन जाएगा टी डबल डैश इक्वल टू जीरो। अगर मैंने दो बार इंटीग्रेट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई सी वन एक्स प्लस सी टू, दैट इज़ द सेकेंड केस, और कैपिटल T की वैल्यू आ जाती है सी थ्री टी प्लस सी फोर। ठीक, ये तो वैल्यू आ गई मेरी x और T की, जब k की वैल्यू मैंने ज़ीरो लिया था, जब मैंने k की वैल्यू ज़ीरो ली थी। तो यहाँ पर मैं केस टू का भी सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि हम बाद में कंपेयर कर सकें। केस टू कब था, वेन के इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या सॉल्यूशन आया था y का, y इज़ नथिंग बट सी वन एक्स प्लस सी टू मल्टीप्लाइड बाय सी थ्री टी प्लस सी फोर। अभी केस थ्री इज स्टिल पेंडिंग, केस थ्री क्या है, जब k की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर हो, केस थ्री वेन k इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। एक नेगेटिव वैल्यू अगर मैं लूँगा तो मुझे बताना है कि भाई सॉल्यूशन क्या आ रहा है। ठीक, अब सॉल्यूशन क्या आ रहा है सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए, व्हेन के इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर टी डबल डैश बाय टी इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। एक नेगेटिव वैल्यू मैंने ली है। अब इसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं क्या बनेगा बताओ, एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसके रूट्स क्या क्या आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, इसके रूट्स आते हैं प्लस माइनस आइटा पी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा कैपिटल एक्स का, यहाँ पर आता है सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ठीक, एक सॉल्यूशन आपको मिलता है कैपिटल एक्स का, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। यहाँ पर क्या बनेगा इक्वेशन, टी डबल डैश प्लस सी इंटू पी का होल स्क्वायर कैपिटल टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस पी इंटू सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस आइटा पी सी, मतलब सॉल्यूशन क्या बना, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू सी थ्री कॉस पी सी इंटू टी प्लस सी फोर साइन पी सी इंटू टी। ये बन गया सॉल्यूशन, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स, सी थ्री कॉस पी सी टी प्लस सी फोर साइन पी सी टी, ये सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन को भी मैं वहाँ पे लिखता हूँ एक साथ, ठीक, इस सॉल्यूशन को भी मैं एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा आपका वाई वाला,
दैट y इज इक्वल्स टू c1 cos px प्लस c2 sin px मल्टीप्लाइड बाय c3 cos pc इंटू t प्लस c4 sin pc इंटू t. अब देखिए तीन सॉल्यूशन मेरे सामने अवेलेबल है. ठीक, मेरे सामने तीन सॉल्यूशन अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि तीन सेपरेट केसेस बने थे. अब इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इज केस थ्री. ठीक, कैसे? दो रीजंस होते हैं इसके. ठीक, पहला रीजन ये होता है कि जब भी मैं स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूंगा, एक वर्टिकल पोजीशन से जाके रिलीज करूंगा, तो SHM बनते हैं. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट स्टैंडिंग वेव्स. तो जब भी वेव बन रहा है तो वेव का इक्वेशन हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में होता है. ठीक, वेव का जो इक्वेशन है वो हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में होता है, इसीलिए दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन. ठीक, यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर तो लीनियर फंक्शन बन जा रहा है, तो ये दोनों वेव की इक्वेशन को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ठीक, और जो बाउंड्री कंडीशंस मैंने लिखे थे, अगर मैं वो कंडीशन भी अप्लाई करके देखूं, तो ये दो कभी सेटिस्फाई नहीं करते. तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट, ऑलवेज गोइंग टू टेक दिस एज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन. वी आर ऑलवेज गोइंग टू टेक दिस एज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन. ठीक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं वापस से डायग्राम पे आता हूँ, क्योंकि अब हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने हैं. स्टेप वन इज क्लियर, स्टेप टू क्या होगा? फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ. ए एंड बी, ठीक, ये मेरा एक स्ट्रिंग था. ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट. उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, अपने हाथ से पुल किया इस पोजिशन तक के, और टी इक्वल टू जीरो पे इसको नीचे रिलीज कर दिया. ठीक, टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज कर दिया. लेंथ कितना था? एल. तो मेरे पास इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशन क्या थे? पहला कंडीशन ये था कि y ऑफ 0, t, x को जीरो कर दो. ठीक, x को जीरो कर दो किसी भी टाइम पे, क्योंकि मैं कौन से पॉइंट पे हूँ? आई एम एट पॉइंट ए. ठीक, तो 0, t हमेशा जीरो आता है. दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन विच आई एम गोइंग टू अप्लाई. ठीक, ये पहला कंडीशन है जो मैं अप्लाई करूंगा कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए. दूसरा कंडीशन क्या होगा? ठीक, दूसरा कंडीशन में y l कॉमा t नहीं लगा रहा. दूसरा कंडीशन ये वाला होगा कि डेल ऑफ y बाय डेल ऑफ t एट t इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट जीरो. ठीक, वर्टिकल वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में, ये जीरो रहेगी. क्यों? क्योंकि मैंने अब तक स्ट्रिंग को रिलीज नहीं किया है. और तीसरा कंडीशन जो आप अप्लाई करेंगे कि y ऑफ l कॉमा t इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो, क्योंकि b पॉइंट जो है, कहाँ पर हूँ मैं अभी? b पॉइंट पे. ये भी एक फिक्स पॉइंट है, जो मेरा b है वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट है. और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y हियर? y हमने अभी डिराइव किया, y इज इक्वल्स टू c1 cos px प्लस c2 sin px मल्टीप्लाइड बाय c3 cos pct प्लस c4 sin pct. ठीक, अब यहाँ पर अलग अलग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं. देखो, इसमें अगर मैं x को जीरो कर दूं, देखो t वाला वेरिएबल मेरे हाथ में नहीं है, इस t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अप्लाइंग कंडीशन वन, क्या पॉइंट है मेरा? अप्लाइंग कंडीशन वन. ठीक, अप्लाइंग कंडीशन वन, t वाला जो वेरिएबल है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है. बट x को मैं जीरो कर रहा हूं, x को अगर मैं जीरो करूंगा तो क्या बनेगा? साइन जीरो जीरो, ऐसे लिख सकता हूं c1 cos px, या c1 p into x करोगे क्या हो जाएगा? 0 प्लस c2 sin 0 into जो फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज इक्वल टू 0. c3 c4 वाले टर्म्स होंगे, उनको मैं नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि मैं t को अभी नहीं देख रहा, मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ x पे. तो ये वाला टर्म तो एज इट इज 0 है, sin 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो. अब अगर इस पूरे टर्म को जीरो करना है, तो एक जो कंडीशन निकल के आती है कि c1 इज इक्वल टू जीरो. ठीक, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने पे मुझे ये मिलता है कि c1 की वैल्यू सर जीरो होनी चाहिए. ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है अब इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बिकॉज c1 जो है कॉन्स्टेंट, ये जीरो हो जाएगा. ठीक, ये जो है जीरो हो जाएगा. कैसे किया मैंने? मैंने x को जीरो किया, देखा c2 sin 0 तो 0 हो रहा है, ये 0 नहीं होगा. तो अगर इस टर्म को पूरे को 0 करना है, तो c1 को 0 होना इज़ मैंडेटरी.
अब अप्लाई करते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन. अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन या सेकेंड कंडीशन. दिस इज नॉट बाउंड्री कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन. अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन जो मैं लिख के रखा हूँ. क्या था सेकेंड कंडीशन? सेकेंड कंडीशन था डेट डेल वाई बाय डेल टी एट टी इक्वल टू जीरो शुड बी इक्वल टू जीरो. वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए. वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, C1 तो जीरो हो गया था, क्या बचेगा? C2 साइन Px, ठीक, C2 साइन Px, इसको एज इट इज रहने दो. जो टाइम वाला फंक्शन था मेरा C3 cos PCT प्लस C4 साइन PCT, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ पर आ जाएगा C3 इंटू पी इंटू सी माइनस ऑफ साइन पी सी टी. एक ये आ गया फंक्शन, ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि अब मेरा फोकस टाइम वाले फंक्शन पे है. ठीक है, अब मेरा फोकस कहाँ पर है? टाइम वाले पे. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? माइनस पी सी साइन पी सी टी, और इसका क्या आ जाएगा? सी फोर वाले का प्लस सी फोर पी सी इंटू वहाँ पर क्या था आपका, साइन था ना, तो साइन का आ जाएगा कॉस पी सी टी, कॉस पी सी टी. अब यहाँ पर आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है? यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करना है टी इज इक्वल्स टू जीरो. तो जब टी को जीरो पुट करोगे, इसको एज इट इज रहने दो, एक्स वाला मेरे कंट्रोल में नहीं है अभी. जैसे ही आप टी को जीरो पुट करते हैं, ये वाला टर्म हो गया जीरो, साइन जीरो जीरो प्लस सी फोर इंटू पी सी. अब अगर इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो करना है तो क्या चीज़ ज़ीरो करनी पड़ेगी? यहाँ पर आपको C4 ज़ीरो करना पड़ेगा. तो सेकेंड कंडीशन मुझे क्या मिली? सेकेंड कंडीशन मुझे मिली C4 इज़ ज़ीरो. इसके पहले क्या मिला था मुझे यहाँ पर फाइंड करने से? मुझे यहाँ पे मिला था कि सर C1 शुड बी ज़ीरो. तो C1 ज़ीरो हो गया और C4 जो है वो ज़ीरो हो गया. अब आपको तीसरी कंडीशन चेक करनी है. तीसरी कंडीशन क्या था? तीसरी कंडीशन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे लिखते हैं हमने क्या क्या फाइंड किया था. C1 जीरो एंड C4 जीरो. तो फंक्शन क्या बचा है? C2 साइन Px मल्टीप्लाइड बाय C3 cos PCT. ये वैल्यू आ गई थी. सिंप्लीफाई कर देते हैं सारे कांस्टेंट एक तरफ. C2 C3 साइन Px इंटू cos PCT. अब क्या कह रहा है? Y ऑफ L कॉमा T, ठीक है, पॉइंट B, वो भी तो फिक्स है. दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. वाई ऑफ एल कॉमा टी शुड बी इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर अगर वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ठीक, सी टू सी थ्री साइन पी एल कॉस पी सी टी इक्वल टू जीरो. क्योंकि मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ एक्स वाला वेरिएबल. तो यहाँ पर मैंने एक्स को लिख दिया था एल. अब आप एक बात बताइए, अगर साइन पी इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो है तो PL की वैल्यू हमेशा क्या होती है? PL की वैल्यू होती है n इंटू पाई. ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़े हैं कि अगर साइन PL जीरो है तो जो भी आपका थीटा होता है वो होता है n पाई के बराबर. तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिल गया कि सर P इज इक्वल्स टू n पाई बाय l. P इज इक्वल्स टू n पाई बाय l. ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल सॉल्यूशन. अब मैं P को भी रिप्लेस कर दूंगा. सी मुझे इनिशियली क्वेश्चन में गिवन था कि आपका डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर. तो यहां पर आप सब्सटीट्यूट करो तो आपको फाइनल वेव की इक्वेशन क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू सी टू सी थ्री. ठीक, कितना था यहां पर? साइन पी एल था ना, तो साइन एन पाई बाय एल ऐसे ही कुछ था. हाँ, पी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स कॉस एन पाई बाय एल इंटू सी टी. तो ये मिल गया मुझे फाइनल सॉल्यूशन. ठीक, हर एक सवाल में ये चीज़ याद रखना कि हर एक क्वेश्चन में आपका ये डेरिवेशन आना इज़ मैंडेटरी. ठीक, वाई एक्स कॉमा टी का फंक्शन, और हमेशा यही फंक्शन आएगा, हमेशा यही फंक्शन आएगा. तो आपका काम क्या है कि इस प्रोसेस को इतने बार प्रैक्टिस कर लो कि आप इसको विद इन 3-4 मिनट इस डेरिवेशन को फिनिश कर ले. ठीक, यहाँ तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. y इज इक्वल टू सी टू सी थ्री साइन एन पाई एक्स बाय एल कॉस एन पाई सी टी बाय एल. ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? सवाल चालू होगा मेरा इसके बाद से. ठीक,
क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि चार कंडीशन गिवन होती है, मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशन की बात की थी, ठीक, मैंने अब तक के सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशन की बात की थी कि ए और बी क्या है मेरा फिक्स, मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से स्ट्रेच किया और t इक्वल टू ज़ीरो पे इस स्ट्रिंग को मैंने रिलीज़ कर दिया, ठीक, t इक्वल टू ज़ीरो पे रिलीज़ कर दिया। अब आपको हर एक क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आने वाला है वहाँ पर ये एक इक्वेशन गिवन होगा कि y ऑफ x कॉमा ज़ीरो, ये आपको हमेशा गिवन होगा कि सर y ऑफ x कॉमा ज़ीरो, जब इनिशियली t इक्वल टू ज़ीरो पे रिलीज़ करने से पहले, रिलीज़ करने से पहले ये जो शेप है स्ट्रिंग का, इसका इक्वेशन हमेशा गिवन होगा, ठीक, इसका जो इक्वेशन है वाई एक्स कॉमा ज़ीरो ये हमेशा गिवन होगा। अगर ये आपको गिवन है, ठीक, सपोज वाई ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो इज नथिंग बट ले लेता हूँ मैं कैपिटल ए साइन पाई एक्स बाय एल, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई एक्स सी, सॉरी नॉट एक्स हियर, पाई सी टी बाय एल। मान लो ये आपको गिवन है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक। अब अगर मैं एक्स को यहाँ पर ज़ीरो कर दूँ, आपको क्या करना है, चौथा कंडीशन, ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको कंपेयर करो इस चीज़ से, हर एक क्वेश्चन में ये गिवन होगा, इनिशियल शेप ऑफ स्ट्रिंग। तो इससे जब आप कंपेयर करते हो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये C2 C3 की वैल्यू कितनी आ जाती है A, और जब यहाँ से मैं देखूँगा n पाई x बाय l और यहाँ पे सिर्फ लिखा है साइन पाई x बाय l, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, n की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो जब इससे कंपेयर करके मैं आंसर लिखूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, हर केस में फाइनल आंसर इज वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू कैपिटल ए साइन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस पाई सी टी बाय एल। तो दिस इज द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट एक्स एंड एट एनी पॉइंट टी। क्या किया, यहाँ तक का डेरिवेशन एग्जैक्ट सेम होगा। अब ये वाई एक्स कॉमा ज़ीरो किस फॉर्म में दे रहा है, इसके बेसिस पे मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, इसके बेसिस पे मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, साइनोसोइडल अगर फॉर्म में दे दिया है, अगर साइनोसोइडल फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दे दिया है तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे, अगर साइनोसोइडल फॉर्म में नहीं दिया है देन यू आर गोइंग टू अप्लाई फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक। तो ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वेव इक्वेशन हो गया, लाप्लास इक्वेशन हो गया और हीट इक्वेशन हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन मैंडेटरी फिक्स है जो 15 से 20 मार्क्स का आएगा, और प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहता है, प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम। तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ, हम इसको आगे सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, और फिर इन दोनों कंसेप्ट को मिला के वी आर गोइंग टू सॉल्व अ यूपीएससी लेवल पीवाईक्यू। तो चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।